हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त सुनील वर्मा और आज आपके लिए लेके आया हूँ रेशियो। ठीक है, तो आइए रेशियो को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, रेशियो मतलब क्या? दो समान राशियों की तुलना को अनुपात कहते हैं। यानी ये अनुपात हमारा क्या होता है, दो एक तरह की राशियाँ अगर हैं, ठीक, मान लीजिए कोई भी दो राशियाँ हैं, एक हम कह लें किलोग्राम, ठीक, अगर हम किलोग्राम की बात करते हैं कि ग्राम, मान लीजिए ये 5 kg है, और दूसरा हम कह लें ये मात्रा है किसी की, कोई भी क्वांटिटी, दूसरी मात्रा हम ये कह लें ये क्या है 10 kg, ठीक, दो मात्राएं हैं, ये कुछ भी हो गया आपका, मान लीजिए आलू है, ठीक, और ये हमारा हो गया मान लीजिए प्याज, ठीक। आलू की जो मात्रा है वो 5 किलोग्राम है और प्याज की जो मात्रा है वो है 10 किलोग्राम, ठीक। अब इनका अगर आप तुलना करेंगे, किसका, आलू और प्याज का, इनकी कंपेयर करेंगे, रेशियो निकालेंगे, तो देखिए क्या आएगा, रेशियो 5/10 लिख सकते हैं। यहाँ देखिए किलोग्राम ये भी था और प्याज भी क्या है किलोग्राम में। अगर ये दोनों चीज़ें एक जैसी हैं, राशियाँ एक ही जैसी हैं, तभी इनकी तुलना हो सकती है, अदरवाइज इनका तुलना हम इनका कंपेयर नहीं कर सकते थे। तो यहाँ अनुपात कितना आएगा, ये कट जाएगा 1/2, या इसको हम लिख सकते हैं 1:2, ठीक, क्या पढ़ते हैं 1:2। जो रेशियो है आपका, रेशियो का आपको साइन समझ में आ गया, क्या होता है ये सिंबल, है ना, इससे हम रेशियो को निरूपित करते हैं। ये रेशियो ये भी हो सकता है या 1/2, इसका मतलब भी क्या है हमारा रेशियो है, या 1/2 ये भी लिखेंगे तो ये भी, इसका भी मतलब क्या है, अनुपात है, ठीक। चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि हमारा अनुपात होता क्या है, दो चीज़ों की, दो चीज़ें कैसी हो सकती हैं, दो राशियां कैसी हो सकती हैं, वो एक ही तरह की राशियां होनी चाहिए, तब तो उसमें आप अनुपात बता सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अब मान लीजिए ये लिखा हुआ है 5 ml, ठीक, और दूसरा है मैंने कह दिया 2 kg, आपसे पूछा गया इनमें कोई अनुपात होगा क्या, क्या इनका हम अनुपात निकाल सकते हैं, क्या आप इसको 5:2 लिखेंगे, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये क्या था, 5 ml, लीटर था ना, ये किसी द्रव की मात्रा हो गई, मिलीलीटर द्रव हो गया, और ये केजी है मतलब ठोस की बात होगी, है ना, तो ये अलग हो गया, ये किलोग्राम अलग है और लीटर अलग है, दो अलग अलग भौतिक राशियाँ हो गई, इसीलिए इसका आप कंपेयर यानी अनुपात यहाँ पर नहीं निकाल सकते थे, ठीक। अनुपात समझ में आ गया, अनुपात क्या होगा, दो एक जैसी ही राशियाँ यहाँ पर होंगी। मान लीजिए कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बीजगणितीय व्यंजक है, तो एक्स और वाई ये दोनों ही क्या है, बीजगणितीय हैं, इसलिए इनका अनुपात हो सकता है, ठीक। चीज़ें क्लियर हो गई, तो देखिए एक्स और वन हो गया, ठीक, इसको हम बोल लेते हैं पहला पद, यानी कि ये हो गया आपका पहला पद, या इसको आप कह लीजिए पूर्व पद, बात एक ही है, पहला पद या पूर्व पद हो गया, और ये क्या है दूसरा पद, ठीक, दूसरा पद या बात सेकेंड टर्म, ओके, फर्स्ट सेकेंड, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है 5 kg एंड 20 kg, इन दोनों का आपको अनुपात बताना है, ठीक। मैं बहुत बेसिक लेवल से आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बहुत बेसिक, यहाँ से हम थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे, इसका लेवल बढ़ाते जाएंगे। देखिए 5 kg है और 20 kg, इसका अनुपात निकालना है, तो आप 5/20 कर लीजिए, मैंने अनुपात यही बताया था, आप बटे में लिखिए, अपॉन में, या अनुपात लिखिए, या कैसे भी कर सकते हैं। 5 × 5, 5 × 20, ये क्या आ गया 1/4, या इसको आप 1:4 लिख सकते हैं, ठीक, अनुपात निकालना समझ में आ गया। तो चलिए कुछ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी अच्छे क्वेश्चंस कर लेते हैं आसान से। देखिए इसका लेवल हम लोग थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे। अगर आप थर्ड सेमेस्टर BTC थर्ड सेमेस्टर में हैं या DLED थर्ड सेमेस्टर में है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है, ये बहुत वीडियो है आपके लिए महत्वपूर्ण। चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिएगा जैसे ये लिखा हुआ है हमारा ₹5 और ये है 50 पैसे, ठीक, ये भी क्या है धन है, ये भी धन है, दोनों की क्वांटिटी हम निकालते हैं, दोनों का रेशियो निकालिए। देखिए ये क्या था, रुपया था, और ये क्या है पैसा, ठीक। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस रुपए को
पैसे में बदल लीजिए, ठीक, या फिर इस पैसे को रुपए में बदल लीजिए। तो हमारे लिए आसान यही रहेगा कि हम इस रुपए को किस में बदल लें, पैसे में। तो एक रुपए में होते हैं 100 पैसे, तो 5 रुपए में कितने हो जाएंगे, 5 रुपए में हो जाएंगे 500 पैसे। ठीक, अनुपात निकालना है तो अनुपात 500 बटे कितना था 50, 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 दहम 50, क्या आ गया 10 बटे 1, या इसको आप लिख सकते हैं 10:1। क्लियर हो गया, पैसे और रुपए में अगर आपको अनुपात निकालना है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन और हम लिखते हैं। यहाँ पे मैंने कह दिया लिखा हुआ है 2 मीटर एंड 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, इन दोनों में आपको अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, 2 मीटर को सेंटीमीटर में बदल लीजिए। क्यों, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर आ रहा छोटी क्वांटिटी, हमें बड़ी से छोटी में जाने के लिए गुणा करना होता है, आसान हो जाएगा। तो 2 मीटर है, इसको आप सेंटीमीटर में लिखेंगे तो कितना आएगा, क्या 200 आएगा, हाँ, क्योंकि 1 मीटर में क्या होता है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होता है, तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या था, 1 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर था, तो ये देखिए 1 मीटर है, ये 1 मीटर आपका हो जाएगा 100 सेंटीमीटर और प्लस 20 तो ऑलरेडी था, इसको इसमें ऐड कर दीजिए, ये कितना हो गया 120 सेंटीमीटर आ गया। अब दोनों को आपको रेशियो निकालना था, तो ऊपर वाला ये कितना था 200/120, 0 से 0 कट गया और 4 3 12, 4 5 20, क्या आ गया 5/3 या 5:3, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये कुछ रेशियो के क्वेश्चन हैं जो बहुत इजी मैंने आपको बताए हैं। तो चलिए कुछ आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है ए अनुपात बी बराबर 1:2 और बी अनुपात सी बराबर, मैंने कह दिया 2:5 है, तो आपको ए अनुपात बी अनुपात सी बताना है कितना होगा। तो देखिए यहाँ आप देख रहे हैं बी, तो बी का मान क्या है, दोनों जगह एक जैसा है, बराबर है। तो जब बी का मान एक जैसा होता है, बराबर होता है, तो हम लिखते क्या हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी, इन तीनों में ये क्या आएगा, एक बी एक ही जैसा था तो यहाँ 2 आएगा और सी की जगह क्या आ जाएगा 5, 1:2:5, ये हो जाएगा ए बी और सी में आपका अनुपात। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पे इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, डीएलएड या फिर सीटेट और टीईटी में अगर आप बैठ रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि इसका एक क्वेश्चंस तो आता ही आता है। देखिए मान लीजिए ए अनुपात बी बराबर 2:3 दिया हुआ है और बी अनुपात सी आपको दिया हुआ है 4:5। अब आपको ए अनुपात बी अनुपात सी इन तीनों का मान निकालना है। अब देखिए यहाँ आप देख रहे हैं बी दोनों क्या हो गया, अलग हो गया ना, तो इसके लिए मैं तरीका बताता हूँ। देखिए ट्रिक, मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ, ए अनुपात बी, ठीक, हाँ ए अनुपात बी लिखा हुआ है, आप यहाँ क्या लिख लीजिए, आप बी अनुपात सी। तो एक तो मेथड यह होता है कि आप उल्टा एन बनाइए, यहाँ पे ये उल्टा एन आपको दिख रहा होगा, मैंने इसको ऐसे बनाया है, ये यू, इसका मतलब क्या है, ए बी बी सी, ए को बी से गुणा करो, बी को बी से गुणा करो, बी को सी से गुणा करो। अगर आपको ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताना है तो ए को बी से गुणा किया कितना आएगा, 2 × 4 × 8, ये 8 आ गया अनुपात। फिर 4 को 3 से गुणा करो, 4 × 3 = 12 और फिर 3 को 5 से कर देंगे, 5 × 3 = 15, क्या आ गया 8, 12 और 15, ए बी और सी में अनुपात कितना आएगा, इतना आ गया। अब एक और तरीका मैं बताता हूँ, ये हो गया केस 1, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं दूसरा तरीका भी बताता हूँ केस 2,
जिससे भी आपको आसान लगता है उस तरह से आप कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम में भी आप कर सकते हैं, उसमें DELED के सेमेस्टर एग्ज़ाम में भी आप ऐसा कर सकते हैं इसको। देखिए ए अनुपात बी, और अगला क्या था, बी से बी और सी, तो हम बी को बी के नीचे लिखेंगे, बी और सी। देखिए ये नंबर है क्या, ए अनुपात बी कितना था, 2 और 3। अगला क्या था, बी और सी, बी कितना है, 4 और ये है 5। ठीक, अब इसके लिए हम क्या करते हैं, 2 को इस 4 से गुणा करेंगे, पहले इसको इससे करेंगे, फिर 3 देखिए 3 का इससे भी होगा गुणा और 3 का इससे भी होगा, तो 2 को 4 से गुणा किया 8 और 4 को 3 से किया 12 और लास्ट में क्या बचा, 3 और 5, 5 या 15। ये आ गया आपका ए अनुपात बी अनुपात सी, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पर। ओके, तो देखिए क्वेश्चन 1, ए अनुपात बी हमें दिया हुआ है, ए अनुपात बी, 2 अनुपात 3, बी और सी, सी और डी, इस तरह दिया हमें, ए बी सी और डी में दिया है, अनुपात निकालना है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे आप तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक, इसकी ट्रिक क्या है, देखिए क्या है, ए अनुपात बी हमें दिया हुआ है ऐसे करके हमें, और बी अनुपात सी, ए बी सी और डी आपको फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले 2 अनुपात 3 हम इसको लिख लेते हैं, 2 अनुपात 3, फिर बी और सी में अनुपात दिया है, ये हमारा बी था, मतलब ये बी है, बी के नीचे आप लिखेंगे, जैसे ये लिखा हुआ है ए और बी, यहाँ पे बी आएगा, फिर सी आएगा और फिर सी और डी, हम ऐसे चलेंगे। ठीक, सिमिलरली यहाँ देखिए 2 अनुपात 3, अब 4 से शुरुआत होगी, 4 अनुपात 5 और सी और डी, तो हमारा ये सी हुआ, सी पे कितना आएगा, 3 अनुपात 4। देखिए रूल हमारा क्या था, क्या करेंगे आप, 2 को इससे गुणा, फिर इसका इससे गुणा, अब 3 का देख किससे होता है, 3 का 4 से गुणा, ठीक, 3 का 5 से गुणा, ओके, और फिर 5 का इससे गुणा, और इस 5 का गुणा कहाँ हो रहा है, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो ये कितना आ रहा है, देखिए जब 2 को 4 से किया, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, ठीक, 24 अनुपात, 3 को 4 से किया, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 12 चौक 36, ये 36 आया। ठीक, अब देखिए जब आपने 3 को किससे किया, 4 से, 3 चौक 12 और 4 कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, 3 चौक 12, 12 चौक 36, हाँ 3 चौक 12, 12 चौक 36 हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, 3 5 15 और 15 और 3 45, हाँ ठीक है, ये ऐसे 3 5 15 और 15 3 45, ये हो गया। अब अगला देखिए, अगला क्या आएगा, 3 5 15 और 15 3 45 60, ये अनुपात कुछ निकलेगा। ठीक, समझ में नहीं होगा, एक बार फिर से देख लीजिए, 2 चौक 4 दूनी 8, 8 3 24, पहले ये हमें बनाना है, इसको कैसे देखना है फिर से देख लीजिए, ये नीचे का इससे जाएगा तो ये वाला ए हो गया। ठीक, अब 3 की बारी है, 3 को 4 से किया, 3 चौक 12 और 12 दिया कितना 5 32, ये हो गया। ठीक, बी निकल आ गया इससे, अब हम सी की बात करेंगे, तो सी कैसे निकलेगा, 3 5 15, 15 3 45, ये सी हो गया। अब हम डी की बात करेंगे, तो 3 5 15, 15 3 45 60, ऐसे निकलेगा। ठीक, क्लियर हो गया, अभी आप देख रहे हैं कि इसमें 3 सब में कॉमन है। ठीक, 3 जब कॉमन है तो 3 8 24, 8 3 24 होता है, और 3 से यहाँ करेंगे तो आएगा 12, 12 4 36, 3 से यहाँ करेंगे तो 15 3 45, 15 होता है, और 3 से यहाँ करेंगे तो 3 2 6, 20, मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इन सब में जो अनुपात आया वो कितना आया, 8, 12, 15 और 20 का। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, ए अपॉन 3 बी अपॉन 4 सी अपॉन 12, तो ए और बी और सी में अनुपात निकालना है। तो देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है, ए बटे 3 बी बटे 4 एंड हाँ सॉरी बराबर है सी बाई 12, इसकी जगह कुछ नहीं तो हमने एक नया कॉन्स्टेंट मान लिया, के हो गया। ठीक, अब आप ए की जगह क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा के लिख सकते हैं, 3 के, ये ए बराबर हो गया। ऐसे ही बी, बी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 4 के, और सी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 12 के। ए बी सी की तीनों वैल्यू पता चल गई और इनकी वैल्यू हम यहाँ
पुट कर देंगे। ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, तो ए की जगह कितना है 3 के, बी की जगह है 4 के और सी की जगह है 12 के। के तीनों जगह हैं तो उनको हटा दीजिए, अनुपात में 3:4:12। ये क्वेश्चन आपका 2 हो गया। समझ में आ गया आपको, यहाँ इज इक्वल टू दिया होता है तो हम क्या करते हैं उसमें एक नया कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस कर देते हैं और वहाँ से ए बी सी तीनों की वैल्यू निकाल करके अनुपात में रख देंगे। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, 3 संख्याओं का योग 98 है, यदि पहली एवं दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन है, पहली मान लीजिए ए है और बी, पहली एवं दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 दिया हुआ है। ठीक, और उसके बाद तथा दूसरी व तीसरी संख्या मतलब बी अनुपात सी, तीसरी संख्या कितना है 5:8 हो, तो दूसरी संख्या है, हमें सब संख्या निकालनी है। आप क्या करिए, ए बी और सी इन तीनों का अनुपात तो पहले टोटल पता कर लीजिए है कितना, फिर हम उसको 98 के साथ हल कर लेंगे। देखिए बहुत आसान हो गया, अगर आप यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी लिखने जाएंगे तो क्या होगा, ये मैंने उल्टा एन बताया था तो उल्टा एन के लिए क्या करेंगे, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 15, 8 × 3 = 24, ये हो गया, ये निकल आया आपका। अब देखिए ए बी सी तीनों में अनुपात आपको पता है, अब आपको बताना है दूसरी संख्या, तो यहाँ दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या देखिए दूसरी संख्या का अनुपात हमें कितना पता है, 15 पता है ना, तो 15 × कुल कितना है 98 / इन तीनों का योग कितना होगा 10 + 15 + 24, 15 × 98 / 10 = 15 कितना 25, 25 और ये 49 हो जाएगा 24, 49 × 49 = 98, तो 15 × 30 दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। अगर हमें पहली संख्या निकालनी होती तो आप यहाँ क्या रख देते 15 की जगह 10 रखते, 10 × 20 हो जाती, और लास्ट वाली संख्या निकालनी होती तो 24 × 2 रखते, 24 × 48। ठीक, इस तरह सारी संख्या हमारी निकल आती। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 15:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि नया अनुपात 1:2 हो जाए। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, ये जो संख्या है हमारी वो क्या है 15 और 19, इसमें क्या घटाया जाए, तो हमें नहीं पता, मान लीजिए कि आप इसमें x घटाएंगे तो नया अनुपात क्या हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। अब यहाँ x के लिए हमें इसको सॉल्व कर लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 को 2 से, 15 - x यहाँ 2 आएगा और यहाँ 19 - x, तो 30 - 2x = 19 - x हो गया, ये इधर चला जाएगा, तो 30 - 19 = 2x - x, 30 में से 19 घटा दोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। ठीक, x बराबर कितना हो गया 11, तो प्रत्येक पद में हमें क्या घटाना होगा 11 घटाना होगा, तो वो क्या आ जाएगा आपका अनुपात 1:2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका रेशियो का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को एक लाइक दीजिए, सब्सक्राइब करिए।